హరి కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవత ప్రథమ స్కంద చతుర్థ అధ్యాయ శ్లోక సంఖ్య 23. ఇస్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన ప్రవేశ కర్ణ సే పహలే గురు ఆర్ గౌరంగ సే కృపా కి యాచన కర్తే హువే మంగళ చరణ కరేంగే తాకి హమ్ జో అధ్యయన కర్ రహే హై ఉస్కా పూరా పూరా లాభ ప్రాప్త హో సకే జో కి హై కృష్ణ ప్రేమ కి ప్రాప్తి. భగవతి వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరందస్య జ్ఞానంజనశలాకయ చక్షురోన్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః పదామహయం దదాతి స్వపదాంతికం. వంశీ విభూషితకరా నవనీరదాభా పీతాంబరధారు బింబఫలధరోష్టా పురేంద్రసుందరముఖా అరవిందనేత్రా కృష్ణ తరం కిమపి తత్వ అహం న జాని యం బ్రహ్మా వరుణీంద్ర రుద్రమరుతః తువంతి దే స్తవే వేదే సాంగప కమోపనిషది గాయంతి యం సామగా ధ్యానావస్థిత తత్ కతిన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో యస్యాంతం న విదో సురాసురగణా దేవాయ తస్మే నమః. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దైవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయ ముదీరయే నష్టకాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతీయుత్తమ శ్లోకీ భక్తిరభవతి నైష్టికీ పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపస్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. వంశాకల్పతరుభ్యస్య కృపాసింధుభ్యరేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవింద. హరే కృష్ణ
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक नंबर 23। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज सुप्त गोस्वामी बता रहे हैं कि यह जो ज्ञान उन्होंने बहुत सारे वेद बनाए थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और एक हर वेद का एक एक आचार्य बनाया, उस तो उन सब ने क्या किया, उन आचार्यों ने कैसे इस वेदों को पूरे संसार में फैलाया। त एक ऋषियो वेदम स्वं स्वं यस्यन्ननेकदा शिष्य प्रशिष्यस्तशिष्य वेदास्ति शाखिनो भवन् त एत ऋषियो वेदम् स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकदा शिष्य प्रशिष्यस्तशिष्य वेदास्ति शाखिनो भवन् त एत ऋषियो वेदम् स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकदा शिष्य प्रशिष्यस्तशिष्य वेदास्ति शाखिनो भवन् त एत ऋषियो वेदम् स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकदा शिष्य प्रशिष्यस्तशिष्य वेदास्ति शाखिनो भवन् त एत ऋषियो वेदम् स्वं स्वं यसन् स्वं स्वं यस्यन्ननेकदा शिष्य प्रशिष्यस्तशिष्य वेदास्ति शाखिनो भवन् त एत ऋषियो वेदम् स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकदा शिष्य प्रशिष्य तच्छिष्य वेदास्ति शाखिनो भवन् त एत ऋषियो वेदम् स्वं स्वं यस्यन्ननेकधा शिष्यै प्रशिष्य तच्छिष्यै वेदास्ति शाखिनो भवन् शब्दों का अर्थ स एत ऋषियो वेदम् त मनवे एते अर्थात ये सब ऋषय अर्थात विद्वान वेदम विभिन्न वेदों को स्वं स्वं अपने अपने शिष्यों के व्यस्यन्न प्रस्तुत किया अनेकधा अनेक शिष्य शिष्यों प्रशिष्य शिष्यों के शिष्यों प्रशिष्य उनके भी शिष्यों द्वारा वेदास्ते शाखिनो भवन् वेदास्ते उन वेदों के अनुयायी शाखिना अर्थात विभिन्न शाखाएं अभवन इस प्रकार बनी। अनुवाद और शास्त्रीय कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनती गई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। सारी यानी लोक
या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेद के मूल पाठ से संबंधित न हो। उन्हें विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया। मूलतः वे महान सम्माननीय विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में विस्तृत किया गया। अतः वेदों के परे कोई स्वतंत्र ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगु लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। आज हम श्लोक नंबर 23 पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषयों को, जैसे हमने कल पढ़ा कि वेद व्यास जी ने विभिन्न, एक ही वेद था पहले यजुर्वेद, उनको चार वेदों में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसके बाद इतिहास और पुराण की रचना की और जितने भी वेद थे उनके एक एक आचार्य को दे दिया। जैसे पैल ऋषि को ऋग्वेद दिया और जैमिनी ऋषि को सामवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और उसके बाद अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद। और इतिहास और पुराणों के आचार्य बनाए गए किसको? रो महर्षि को। तो उसके बाद अब एक एक गुरु के पास, एक एक आचार्य के पास एक एक सब्जेक्ट, एक एक वेद आ गया। तो आज बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। द एत विषयो वेदम स्वम स्वम यस्यन्नेकदा। यस्यन्नेकदा का मतलब होता है कि प्रस्तुत किया अलग अलग अपने स्वम स्वम अपने अपने शिष्यों को, यानी कि अब एक आचार्य के बहुत सारे शिष्य, तो अपने अपने शिष्यों को बताते गए कि ये सिखाते गए, ये बताते गए। और उस तरह से क्या हुआ, शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य, जैसे आचार्य के शिष्य, उनके शिष्य और उनके शिष्य, इस तरह से बहुत सारे, यानी कि शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट हो गई। शुरू में क्या था, वास्तव में भक्तों ये वेद जो है वो भगवान के मुख से निकले हैं। वेद का निर्माण जो है वो भगवान ने किया। भगवान ने इन वेदों को रचकर समस्त वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। अब भगवान ने ये ज्ञान जो है वो जिस जिससे भगवान ने सबसे ज्यादा प्रेम किया ना, उनको दिया। ठीक है, पहले भगवान के पास समस्त, भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहम् एव वेदे, वेदों का रचयिता मैं हूँ, वेदों को जानने वाला मैं हूँ और वेदों के द्वारा जानने का लक्ष्य भी मैं हूँ। तो वास्तव में वेदों की रचना जब भगवान ने की, क्योंकि मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए की, तो अजीव तक पहुँचाने के लिए भी भगवान ऐसे नहीं कि कोई भी सेंटर से खड़ा हो जाए और वो वेदों का अधिकारी हो जाए। भगवान ने क्या किया, जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। अब सबसे ज्यादा प्रेम भगवान किससे करते हैं? वो भगवान श्री नारायण जो है वो लक्ष्मी महारानी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है, सदैव उनके चरणों की सेवा करती रहती है। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को वेदों का ज्ञान दिया। इससे स्टार्ट होती है श्री संप्रदाय। और भगवान किस इस तरह से श्री संप्रदाय में वेदों का ज्ञान आगे बढ़ा। ठीक है, और भगवान किससे प्रेम करते हैं? जो ब्रह्मा जी है ना, वो प्रथम जी है और उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की थी, इसलिए भगवान ने उन्हें पहले वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवल, हमने पहले श्लोक में पढ़ा था ना। तो वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने सुप्त गोस्वामी को दिया। इस तरह से करते करते आज हम वही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम उसी गुरु शिष्य
श्रृंखला से आ रहे हैं और ऐसे ऐसे करते हुए ये परंपरा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तक पहुंची और चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप सनातन इत्यादि रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट से होकर जगन्नाथ दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर गोकिशोर बाबा जी और ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी से होते हुए यह दिव्य ज्ञान हम तक पहुंचा है। हमारा परम सौभाग्य है और भगवान ने चार कुमार को शिक्षा दी उसे कुमार संप्रदाय और क्योंकि भगवान के सब सब भक्तों में वैष्णवानाम यथाशंभु शिव जी परम भक्त हैं परम वैष्णव हैं तो भगवान ने एक परंपरा रुद्र परंपरा जो है वो शिव जी से स्टार्ट की। तो इस तरह से चार संप्रदाय स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य शिष्यों ने अब देखो ये चार हम लोग पहले चार ऋषियों को अलग अलग चार वेदों का आचार्य बना दिया गया फिर उनके शिष्यों ने क्या किया इन्हीं इसी वेदों के ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं के उसके अभी ऋग्वेद के अनुयायियों की अलग शाखाएं हो गई और सामवेद की अलग यजुर्वेद की अलग अथर्ववेद की अलग बहुत बहुत शाखाएं होती गई और इस तरह से ये वैदिक ज्ञान जो है बहुत ही विस्तृत रूप में विस्तारित होने लगा। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ज्ञान का मूल स्रोत वेद है। अब संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जितना भी ज्ञान हो वो सारा का सारा वेदों से ही प्रकट हुआ है। जैसे आज हम लोग है ना ये भौतिक ज्ञान की बात करते ना जैसे कोई डॉक्टर बनता है कोई इंजीनियर बनता है कोई फिलोसोफर बनता है कुछ बनता है तो डॉक्टर पहले वेदों से वेद ने क्या हमेशा चिकित्सा होती थी वेदों की चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा है ना। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज इवन संजीवनी विद्या के विषय में और हर जो भी बीमारी होती है प्रॉब्लम होती है भौतिक उसके विषय में बताया गया है। तो पहले हमेशा वेदों के द्वारा ही है ना ये सब बीमारियों का इलाज होता था। वेदों में हर एक मतलब जितनी भी आज की शिक्षाएं हैं वो सारी की सारी वेदों में बताई गई है। सर्जरी करना इंजीनियरिंग बड़े बड़े विमान बनाना और दूसरी बहुत सारी और भी ऐसी चीजें जैसे खला के अंदर स्पेस के अंदर जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके विषय में समस्त वनस्पतियों के विषय में भी लिखा हुआ है और शारीरिक क्रांति बढ़ाने के लिए अपना बल बढ़ाने के लिए बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजों का उपयोग किया जाए किस तरह से कार्य करेंगे वो वस्तुओं को किस मात्रा में मिलाया जाए हर एक विद्या जो है वेदों में बहुत ही डिटेल से बताई गई। यहाँ तक कि युद्ध कला है ना पहले जो शास्त्र होते थे वो युद्ध कला भी वेदों के जरिए यानी कि और कोई शास्त्र नहीं पढ़ा जाता था यही वेदों के द्वारा ही विभिन्न जो भी एजुकेशन है वो सब ग्रहण की जाती थी वेदों के द्वारा। ये जितनी भी आज हमारे पास विद्या है वो वेदों के द्वारा ही प्राप्त हुई है और वेद साक्षात भगवान की वाणी है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि संसारी लोक या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल पाठक से संबंधित ना हो। हर एक ज्ञान जो है वो कहीं न कहीं वेदों के लिंक से है कहीं न कहीं उसका लिंक वेदों से हो रहा है। उन्हें विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया। अब क्योंकि वेद इतने बड़े हैं इतने बहुत ज्यादा उनके ना अंदर बहुत ज्यादा श्लोक हैं और बहुत सारी बातें तो उनको क्या किया गया अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया विस्तृत विकसित कर लिया गया है कि ना ये बस कहीं पर आयुर्वेद कहीं पर क्या कुछ कुछ ज्ञान है जो संसार में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है वो सारा का सारा वास्तव में वेदों से ही लिया गया है। आगे श्रील प्रभुपाद जी एक अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि भले ही ये समस्त ज्ञान वेदों से आया है लेकिन दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में विस्तृत किया गया। यानी कि ऐसा नहीं है
फिर कोई भी वेद पढ़ के उससे ज्ञानी बन जाए। इसके लिए क्या, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है शिष्य प्रशिष्य प्रशिष्य, कि ये वेद जो है उसका अधिकारी आप तब बनते हो जब आप इस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हो। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा 4.2 में, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु, कि सकालीनि महता योगो नष्ट परंतप, कि इस तरह से परंपरा से आकर ही हम वास्तव में दिव्य ज्ञान को समझ सकते। दिव्य ज्ञान को समझने का एक ही तरीका है कि हम एक शुद्ध गुरु की शरण लेकर उनके अंदर में लेकर दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करें और उनके आदेशों का पालन करके उसको एज इट इज अपने जीवन में उतारें। वास्तव में भक्तों, परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जो गुरु, शुद्ध गुरु जो होते हैं, जो परंपरा से आए होते हैं, उनके पास पूरी परंपरा का पावर होता है। जो परंपरा पीछे से आ रही होती है, यानी कि वो केवल अपनी बात नहीं बता रहे हैं, पूरी परंपरा का आशीर्वाद होता है। और उनके आशीर्वाद में रहकर जब हम, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, वो हमारी बुद्धि का विषय नहीं है बल्कि हमारे हृदय का दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित हो तो हृदय जितना शुद्ध होगा, जब हम किसी शुद्ध वैष्णव के चरणों में बैठ कर इस दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। यही एक विधि है। जब श्रील प्रभुपाद जी दादा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में गए थे, वहीं पर रहते थे, तो हृदयानंद जी महाराज बताते हैं कि वो रात रात को उठते थे और रात को जोर जोर से चिल्लाते थे, और श्लोक गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की जो वहाँ पर समाधि है, वहाँ पर जोर जोर से रोकते थे और कहते थे मुझ पर कृपा करिए, हे रूप गोस्वामी मुझ पर दया करिए, और क्योंकि आपके ऊपर सब आचार्यों की दया है, आप यदि मुझ पर दया नहीं करेंगे तो मैं इस दिव्य ज्ञान का प्रचार नहीं कर सकूंगा। मेरे गुरु महाराज की का ये आदेश है कि मैं इस दिव्य ज्ञान को समस्त संसार में फैलाऊं, लेकिन जब तक मुझे गुरु परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने प्रथम मेंट में यह आदेश दिया था कि तुम्हें जाना है पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना है। केवल अपने इस गुरु महाराज के आदेश को लेकर, कोई सहारा नहीं था, कोई साथी नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई उनके पास फाइनेंशियल कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु परंपरा का आदेश मानते हुए और अपने गुरु महाराज के वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए वो गए, और आज इतना श्रील प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्ति और गुरु निष्ठा के कारण आज पाश्चात्य देश के जितने भी जानवरों की तरह रह रहे थे वो, और उन सब के जीवन को पलट दिया, सब शुद्ध वैष्णव बन गए। ये पूरी परंपरा का आशीर्वाद है जिसके कारण, गुरु की भक्ति है जिसके कारण श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी सदैव कहते थे मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, परंतु जो शास्त्र में बता रहा हूँ, जो मेरे गुरु का आदेश है, वो 100% प्योर है। मैं एज इट इज उस ज्ञान के विषय में आप सबको बता रहा हूँ, और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीवन परिवर्तित होगा। तो आज हमारे पास जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी बुक्स हैं, वो सब श्रील वेदव्यास जी का उपकार है हमारे ऊपर। श्रील वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण ने शक्तियाँ अवतार लिया श्रील वेदव्यास जी के रूप में। यदि श्रील वेदव्यास जी इन शास्त्रों का संकलन ना करते तो आज हमारे पास कोई शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि पहले तो गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलती थी, कि है ना, श्रुति दर्ज होते थे, सब लोग सुनते थे गुरु के द्वारा और उसको कंडक्ट कर लेते थे। लेकिन यदि वेदव्यास जी शास्त्रों को लिखते नहीं, क्योंकि आज के व्यक्तियों का ये है कि सुनी हुई बात तो क्या, रटी हुई बात भी भूल जाते हैं। जो बात रट लेते हैं वो भी अगर 15 दिन के बाद पूछे तो बोला ये मैंने बहुत पहले याद किया था,
अब मुझे याद नहीं है तो फिर क्या वेदों को याद रखेंगे, क्या शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम को याद रखेंगे। ये असीम कृपा है वेद व्यास जी की कि उन्होंने ये जो एक वेद है उनका विभाजन किया और अलग अलग उसका विस्तार किया। लेकिन उससे भी बड़ी अनुकंपा है श्री प्रभुपाद जी की, जो इन्होंने इतने सुंदर तरीके से, इतने इजी तरीके से इन वेदों को का पर्पट लिखा। क्योंकि इतना वरना तो सामान्य जन धर्मित हो जाते, कभी भी भक्ति वेदांत या श्री प्रभुपाद जी के जितने भी तात्पर्य उनको भक्ति वेदांत तात्पर्य कहा जाता है। क्योंकि इसका मतलब है कि वेदों का अंत क्या है, कृष्ण की भक्ति करो, है ना। कृष्ण की भक्ति ही वेदों का अंत है। यदि निचोड़ नहीं निकाल के लिया होता तो न जाने हम आज किस रास्तों में भटक रहे होते। तो ये श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, अन्य जितने इम्पोर्टेंट शास्त्र हैं उनको तत्पट लिखा, जिसके कारण हम इसको समझ पा रहे हैं, इसको पढ़ पा रहे हैं और हृदय के अंदर कृष्ण के प्रेम को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके अतिरिक्त भी श्री प्रभुपाद जी के बाद जितने भी परंपरा में जितने भी शिष्य गुरु शिष्य आ रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो अपने गुरु महाराज के आदेशों का एज पालन कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर सकते। जब तक किसी शुद्ध गुरु की कृपा न हो तब तक हम वेदों को नहीं समझ सकते। क्योंकि शास्त्र कहता है संप्रदाय विहीना ते मंत्रा से निष्फलामता, कि यदि आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हो, यदि आप किसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए नहीं हो जो कि भगवान से आई हुई है, ऐसी परंपरा से यदि आपका कोई लिंक नहीं है और आप भले शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहे हो तो भी आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। संप्रदाय विहीना ते मंत्रा से निष्फलामता, आपके उनमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। उसका दिव्य फल आपको शास्त्र अध्ययन करके नहीं, गुरु महाराज की कृपा से, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता जी। वास्तव में कृष्ण बगैर गुरु कृपा के प्राप्त होना संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि हम बगैर गुरु महाराज की कृपा से के कृष्ण को प्राप्त कर सके। लेकिन गुरु कब प्राप्त होते हैं, शुद्ध गुरु तब प्राप्त होते हैं जब कृष्ण की कृपा होती है। तो हमें वास्तव में गुरु प्राप्त करने के लिए इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए जितना कृष्ण की कृपा प्राप्त करने। क्योंकि अगर हम सिंसियर हैं, अगर हम सीरियस हैं, भक्ति में उन्नति कर रहे हैं, अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है और आदेशों का पालन कर रहे हैं, रूल्स और नियमों को पूरा कर रहे हैं, अपनी सेंटिंग पूरी कर रहे हैं, एकादशी उपवास रख रहे हैं, भगवान हमारी सिंसियरिटी को देख कर, हमारी सीरियसनेस को देख कर अवश्य किसी शुद्ध गुरु से हमारी भेंट करवा देंगे। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन भगवान आपके हृदय में बैठा है, वो कोई दूर थोड़े है। भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया तुमेच्छति तस्य तस्य असुराम श्रद्धा तामे विविधधाम्य हम। मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूँ और जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसको फल प्राप्त कराता हूँ। तो क्या हम शुद्ध हृदय से एक शुद्ध गुरु की याचना करेंगे तो भगवान हमारी पूरी नहीं करेंगे। लेकिन जब गुरु तब मिलते हैं, शुद्ध गुरु तब मिलते हैं जब हम शुद्ध हृदय से उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो वास्तव में भक्तों हमें अपने को देखना है। शुद्ध गुरु हमारे शुद्ध शिष्य बनने पर प्राप्त होते हैं। सब लोग बोलते हैं गुरु करना है, गुरु करना है, हम गुरु करना चाहते हैं। लेकिन गुरु करना इतना जरूरी है, जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम शुद्ध शिष्य बने। गुरु तो वो है ही, कोई बोलते हैं कि हमने उसको गुरु बनाया, हमने उसको गुरु बनाया, गुरु बनाया नहीं जाता। गुरु तो वो अपनी क्वालिटी से बन ही गया, भगवान ने उसे गुरु बनाया। हमें तो शिष्य बनना है। शिष्य अगर हम अच्छा बनेंगे, हम
आदेशों का पालन करेंगे, हम रूल्स को फॉलो करेंगे, हम अपनी नियमित जपा को पूरा करेंगे, अपने नियमों को पूरा करेंगे, तो हमारी सिंसियरिटी को, हमारी सीरियसनेस को देखकर भगवान हमें अवश्य एक शुद्ध गुरु से मिला लेंगे। और जिस दिन हमें शुद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो भगवान प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो आज हमें वे सुत गोस्वामी यही बता रहे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान सदैव गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।